इस बात का ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इसे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो एक कहानी आपकी ज़रूर मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति ना थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा जैसा मैं करूं, जो उसे चुपचाप देखते रहना, जिससे तुम्हें मन की शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्यों तरह तरह के पकवान खाते रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहाँ से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था कि मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्यों कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भर पेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया।